200 लेपर्ड दिखाओ, ये रहे। गुप्ता जी अपने आप, अरे अपने आप को भी दिखाओ, नहीं तो लोग इसे भी फेंक बोलेंगे। ये देखो दोस्तों, ये देखो क्या है, कौन सा जानवर है दोस्तों? भाई घात लगाए बैठे थे रोड के ऊपर दोस्तों, घात आप सोच नहीं सकते भाई, कितना डेंजर था यार। लेपर्ड भाई थोड़ा सा, वो सामने लेपर्ड बैठा। देखिए दोस्तों लोमड़ी दिखा रहे हूँ मैं आपको, देखिए हमने लोमड़ी भी कैप्चर कर ली है, दो है, अटैक करेगा, अटैक करेगा, दो है, एक भी नहीं। चलो 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 चलो, ये देखिए जा भी नहीं रहे, तो सीसा डाउन मत करना। नहीं नहीं सीसा डाउन नहीं कर रहा भाई। ये देखिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए एडवेंचर कैंपिंग ब्लॉग में। और अभी मैं हूँ रात में गोपेश्वर रेंज फॉरेस्ट में, तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लेपर्ड का आतंक रहता है रात के टाइम में। तो इस रियलिटी चेक को करने के लिए हम लोग जा रहे हैं उस जंगल के अंदर। तो अभी मेरे संग है राज भाई डीबी उत्तराखंड से। तो दोस्तों ये लोकल है यहाँ के, इनको सारी नॉलेज है उस चीज की। तो आज ये हमें दिखाने वाले हैं लेपर्ड। इस इलाके में एक मेल फीमेल लेपर्ड का बहुत आतंक है, वो दो लेपर्ड है, और जो कि आज हम आपको वो दिखाएंगे और कैप्चर करेंगे, चाहे हमें पूरी रात जंगल में घूमना पड़े। जी। तो दोस्तों देखिए, फिलहाल तो मैं आपको दिखा दूं, ये इतना घना जंगल है और इस जंगल में हम जा रहे हैं। और ये देखिए दूर दूर तक क्या कहते हैं, कोई आपको गाड़ी नहीं दिखेगी, कुछ नहीं दिखेगा। इसी रोड पे हम आगे जा रहे हैं, थोड़ा और घना जंगल आएगा। रात के करीबन बज रहे हैं, 11:30-12 बजने में। आज हम लेपर्ड कैप्चर करके रहेंगे दोस्तों आपके लिए, और इसमें हम अपनी शकल भी दिखाएंगे, फेस भी रिवील करेंगे साथ में लेपर्ड के, क्योंकि आप लोग लेपर्ड देख लेते हो, हमारे हमारी केवल वॉइस रह जाती है पीछे से, तो आप लोग ये सोचते हो कि हमारा ये हमने फेक लेपर्ड दिखाया आपको, बट आज हम आपको जो दिखाने वाले ना बिल्कुल रियल दिखाने वाले दोस्तों। ये देखिए घना जंगल है दोनों तरफ हमारे, लेफ्ट और राइट, और इसी पे हम चल रहे हैं। तो ये जो मैं आपको बता दूं, ये जो रास्ता है, ये रास्ता है गोपेश्वर फॉरेस्ट रेंज का और केदारनाथ वन्य विभाग का, ठीक है। तो दोस्तों इस उस पे चल रहे हैं, तो जो भी जानवर दिखेंगे आपको, वो देखो वार्निंग यहाँ पे भी लिखी हुई है जंगली जानवर की, कि यहाँ पे जंगली जानवरों को आतंक है। यहाँ पे ज्यादातर रात को कोई निकलता नहीं है, लेकिन हम निकले हैं केवल आपके लिए दोस्तों, और आपको दिखाएंगे आज सारी की सारी सच्चाई इस जंगल की, और उस मेल फीमेल लेपर्ड के बारे में भी हम राज भाई से पूछते हैं क्या सीन है। गुप्ता जी बस देखिए, आप कैमरा हटाइए मत रोड से, कुछ भी दिख सकता है। हाँ, नहीं एकदम अचानक ही दिखेगा। हाँ, ठीक है। और भाई जो मेल फीमेल है भाई, उसका मतलब ऐसा है कि हर किसी को ज्यादातर टूरिज्म को दिखता रहता है, और बहुत ही मतलब यहाँ आतंकी है उनका। अच्छा। जंगलों में अगर भाई जंगलों में कोई बाय चांस थोड़ा रात रह गया, कुछ हो गया, तो अटैक एकदम वो नहीं है। हाँ वो नहीं है। तो दोस्तों इस जंगल के अंदर हम आपको आज दिखाने वाले मेल फीमेल लेपर्ड, और वो भी रियल, और इसमें हम अपने फेस को भी साथ में रख के उस लेपर्ड को दिखाएंगे, ताकि आपको बिलीव हो जाए कि हाँ हम जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं और सच दिखाते हैं अपने चैनल पे। तो दोस्तों चलते हैं फिर जंगल के और अंदर, और फिर दिखाते हैं आपको कि वहाँ लेपर्ड मिलता है या क्या, और कुछ जानवर मिलता है या क्या मिलता है। देखिए लेपर्ड के साथ हम उन्हें बहुत सारे जानवर दिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम लेपर्ड ही दिखाएंगे। यहाँ पे एक वो भी तो है ना, मोनाल मोनाल है पक्षी। हाँ वही ये देखो, अब दोस्तों देखो भागेगा, दोस्तों ये देखो क्या है, कौन सा जानवर है दोस्तों? अरे इसी को सोलो बोलते हैं, सोलो जिसके देखो दोस्तों हमने जानवर दिखाया आपको। हाँ जाएगा भी नहीं, रोड़ी रोड। हाँ अच्छा रोड़ी रोड जाएगा, ये रोड़ी रोड जाएगा वो। दोस्तों कितने सारे कांटे भाई इसके, तो बड़े बड़े भाई। इसे हम अगर गाड़ी से वो करेंगे ना, गाड़ी लगेगा तो गाड़ी पूरी पंचर। अच्छा जी। हाँ इतने बड़े कांटे होते इसके। तो गुप्ता जी सोलू कहते हैं, सोलू कहते हैं। ये देखो, चलो हमने इसे रास्ता दे दिया, ठीक है। देखिए हम तो जानवर दिखा दिया भाई साहब, हम परेशान नहीं करेंगे इसने, हम इसे परेशान नहीं करेंगे यार। चलो वो चले गया सुपर वार, नहीं तो ये ना लाइट के आगे आगे निकलता रहता और मुझे लाइट बंद करनी पड़ती, फिर ये एकदम से गायब हो जाता। अच्छा। हाँ वो तो सुपर वार, ये निकल गया, ठीक है। और हम अपना आगे बस किसी दोस्तों हमने आपको जानवर दिखा दिया है राज भाई और मैंने, तो अब ये मत कहिएगा कि हमने जंगल में आपको जानवर दिखाया। भाई देखो गढ़वाली में तो इसे सोलू बोलते हैं, और जिसको पता है कि भाई इसे हिंदी में क्या बोलते हैं वो कमेंट करके बता देना, और जिसको नहीं पता है वो गूगल पे सर्च करके देख लेना भाई, इसकी फोटो स्क्रीनशॉट लेके गूगल सर्च कर लीजिएगा। हाँ। और इसके बारे में पढ़ लेंगे। तो दोस्तों आगे देखते हैं और कौन से जानवर मिलते हैं, कोई और मिलता है तो दिखाते हैं आपको।
200 देखिए लोमड़ी, देखिए 200 लोमड़ी दिखा रहे हूँ मैं आपको, देखिए हमने लोमड़ी भी कैप्चर कर ली है, दो दो है भाई साहब। लेपर्ड हूँ भाई, राज भाई लेपर्ड, राज भाई लेपर्ड, लेपर्ड भाई थोड़ा सा किलो, थोड़ा सा हल्का सा, हल्का सा, हल्का सा, हल्का सा, नहीं नहीं देखो नीचे मत करो, नहीं 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 देखो उठ गया ना, उठ गया, नीचे मत करो लाइट भाई, वो एक तो नीचे गया, राज भाई दिखाना लेपर्ड, एक सेकंड दोस्तों ये देखो हम दोनों हैं, हाँ देखो दोस्तों हम दोनों राज में हो रहे हैं, वो सामने लेपर्ड बैठा है, भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया दोस्तों, भाग गया भाग गया भाग गया, ये देखो गया अंदर, देखो ओए लेपर्ड कैप्चर कर लिया भाई, चले आगे फिर रुक जाओ, अभी बहुत लेपर्ड, रुक जाओ लेपर्ड, एक यहाँ पे ये देखो, ये देख रहा, ये देखो कहाँ है ये, हाँ सामने देखो ना, हाँ हो रहा हो रहा हो रहा, दोनों 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 लियो लियो आगे लियो, हाँ लियो 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 आपको भी दिखाओ, नहीं तो लोग इसे भी फेंक फेंक बोलेंगे, ये देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों लेपर्ड, कैसा देख रहा हूँ भाई, देखो हम दोनों बैठे हैं गाड़ी में, लेपर्ड भाई साहब लेपर्ड, ये भाई साहब दो दो अल्टीमेट बाबा, अल्टीमेट दिखाओ, ये देखिए जा भी नहीं रहे, तो सीसा डाउन मत करना, नहीं नहीं सीसा डाउन नहीं कर रहा भाई, ये देखिए दोस्तों ये देखिए लेपर्ड, ये देखिए दो लेपर्ड बैठा, लेपर्ड ओ भाई, और जूम करो गुप्ता जी, ओ भाई सच बोला तुमने तो दोस्तों, इस रास्ते पे जा रहे हैं, इस रास्ते पे जंगली जानवर मिलते ही मिलते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा जंगली जानवर मिलता है, ये भी गोपेश्वर रेंज एरिया है, वही फॉरेस्ट एरिया है, और दूर दूर आपको थोड़े घर दिख रहे होंगे, बट ये फॉरेस्ट से हटके, देखिए दोस्तों सामने एक जानवर बैठा है, दोस्तों भाई कह रहे हैं यहाँ पे एक तेंदुआ है, दिखता है अक्सर, तो वहाँ चलते हैं, वहाँ करेंगे भाई, वहाँ बता सकते हैं हम कि हाँ दिखा पाएंगे हम, लेकिन हम अभी फॉरेस्ट एरिया से बाहर आ गए, और अभी हमें ये देखो वो क्या है, वो देखो, वो देखो, देखो दोस्तों, दोस्तों सामने देखिए मैं दिखाता हूँ, लोमड़ी देखो दोस्तों, ये देखो ये दोस्तों लोमड़ी है सामने, ये देखिए डॉट मारे, देखिए दोस्तों ये भाग गई, देखो देखो दो दो है, आगे करें ऊपर, दो नहीं और भी बहुत सारी, ये देखो एक वो बैठ गई दोस्तों, ये देखिए एक ही इतनी सारी लोमड़ियां, तीन दिखी और इधर पत्थर है, इधर पत्थर है, गाड़ी में चला देना, देखिए दोस्तों तीन है, एक वो बैठी और वो आंखें चमक रही, एक ये रही और दो है, तीन है यहाँ पे, आगे चलते हैं, आगे चलो तेंदुआ भी मिलेगा यहाँ पे इस एरिया में, तेंदुआ भी मिलता है, देखिए भागी भागी, ये देखो ये जो देखिए 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 दोस्तों, ये साइड देखिए ना, देखिए दोस्तों वो भाग गई, चलो आगे देखो आंखें चमक रही है ना, वो लोमड़ी है और ये लोमड़ी है, देखो वही ले रही थी, हाँ ये, हाँ ये नीचे, ये तो कुछ और है यार, कुछ है देखिए क्या है, ये मिनट दिखाना ये ना, हाँ हाँ अरे दिखाना दिखाना क्या है, खरगोश मार का क्या, देखना देखो देखो कितनी सारी लोमड़ियाँ हैं यहाँ पे, कम से कम 10-15-20 लोमड़ियाँ हैं तेंदुए वाले इलाके में, चलो तेंदुए वाले में, तो दोस्तों अब चलते हैं तेंदुए वाले इलाके में, ये दोस्तों ये देखिए, अच्छा ये नहीं ये तो वो है चुतराऊ बोलते हैं हम, नेवला टाइप का, नेवला उदबलाऊ, हां देखो दोस्तों उदबलाऊ भी था अभी, और भाई कह रहे हैं इस रोड पे ही तेंदुआ दिखता है अक्सर, तो अब हम फॉरेस्ट वाले रेंज में फिर आ गए, ये एरिया पूरा तेंदुआ का है, दो तेंदुए वहां देखे थे और अब देखते हैं यहां पे कौन सा तेंदुआ मिलता है, यहां पे कोई तेंदुआ मिलता है या नहीं मिलता,
दिखाने से पहले मैं दिखा दूं, ये राज भाई हैं। जी जी बिल्कुल। और ये मैं हूँ और ये मेरी गाड़ी है, गणपति जी लगे हैं और हम इस रोड पे जा रहे हैं तेंदुआ कैप्चर करने दोस्तों। और टाइम मैं बता दूं, टाइम की बात करूं तो 2:19 हो रहे हैं, आप देख सकते हैं घड़ी में। तो पूरी पूरी रात हम लोग आपको क्या ले लो, चले और आगे चलो। देखो देखो आगे चलो, चलना कहाँ, चलो चलो। तो दोस्तों ये जंगल वाले एरिया में हम आपको घुमा रहे हैं। होता भाई तेंदुए का, अब देखो ना वो वहाँ तीन तीन दिख गए। तो दोस्तों आज हमने आपको दो दो नहीं तीन तीन लेपर्ड दिखाए, मेल फीमेल। वो ये वो लेपर्ड थे जो यहाँ के जो चौपटा जाते हैं लोग उनके ऊपर अटैक करते हैं इस जंगल के अंदर। और राज भाई जैसे ही तुमने बोला ना वो रहे, दो तो उधर चलेगा, एक वहाँ बैठा था बाद में, तुमने एक और कहा कि एक वो बैठा वो बैठा, मैंने कहा बैठा तो तुमने कहा वो रहा। और वो जो पीछे गई ना वो मादा लग रही थी, वो एकदम से अटैकिंग मोड में आ गई थी। भाई घात लगाए बैठे थे रोड के ऊपर दोस्तों, घात आप सोच नहीं सकते भाई कितना डेंजर था यार। और दोस्तों मैं ये एक चीज और बताऊं भाई, इस रास्ते पे अगर गाड़ी से हो आप तो ठीक है, बाइक 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 इनसे हो कोई है नहीं, गाड़ी से भी कोई नहीं है दोस्तों। ये देखिए आप कितनी देर से ब्लॉगिंग देख रहे हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपको कोई गाड़ी दिखी? एक गाड़ी नहीं है, हम कम से कम 30 किलोमीटर चल चुके हैं अभी तक। बिल्कुल गुप्ता जी मैं बता दूं, दिन में उतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि ज्यादा पब्लिक रहती है, थोड़ा दूर हो जाते हैं ये। और रात में अगर बाइक इनसे चल रहे हो तो भाई शाम के 5 बजे बाद बिल्कुल मत चलना, क्योंकि यहाँ भाई वाइल्ड लाइफ है और कुछ भी हो सकता है ना। तो दोस्तों हमने आपको आज कई सारे जानवर दिखा दिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो उत्तराखंड का सोलू जानवर था जो हमारी गाड़ी के आगे आगे भागे जा रहा था, जिसके कांटे से बहुत सारे कांटे थे, हम कांटे वाला चूहा कहते हैं बेसिकली इसको। और हमने आपको दिखाया तीन तीन लेपर्ड और जो मेल फीमेल और एक उसका बच्चा था। तो दोस्तों ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, और ऐसा एडवेंचर वीडियो आपको अगर देखना है तो आप हमें कमेंट जरूर करें। और दोस्तों इस बार तो देखो लाइक बनते हैं यार, देखो ये इतना रियल, हमने अपना फेस भी रिवील कर दिया उसमें, ऐसे ब्लॉगिंग करके भी दिखा दी कि देखो हम भी बैठे हैं गाड़ी के अंदर और सामने लेपर्ड है। तो दोस्तों इतने घने जंगल में रात के 12 बजे आपको ये सब दिखा, टाइम दिखाना यार क्या बज रहा है, 12 बजने वाले हैं बस। देखो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, 11:52 हो रहे हैं इस वक्त। तो दोस्तों रात के 12 बजे आप लोगों के लिए हम लोग ऐसी ब्लॉगिंग और ऐसी वीडियोस लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस बार। और दोस्तों एक और चीज बता दूं, अभी हम दोनों जा तो रहे हैं, हो सकता है कुछ और भी दिखे, तो ये मत समझिएगा कि ब्लॉग एंड हो गया है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपसे गुड नाइट, जय हिंद बोलूंगा, क्योंकि अगर आगे कुछ दिखा तो मैं उसको इसके बाद जरूर लगाऊंगा, इस वीडियो के बाद जरूर लगाऊंगा। और अगर इसके बाद मेरी वीडियो नहीं आती तो हमें कुछ नहीं दिखा। तो दोस्तों गुड नाइट और जय हिंद। गुड नाइट दोस्तों, जय हिंद।